अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं काफ़ी अरसे से दुआ ज़हरा के केस को फॉलो कर रहा हूँ और हम सुन रहे हैं कि दुआ ज़हरा किडनैप हो गई है, फिर कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है, जो सब चल रहा है आपके सामने है। सो आई बीन वांटिंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड जस्ट गिव माय ओपिनियन, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ शायद आप में से काफ़ी लोग के दिमाग में वो बातें हों या फिर आप भी वो सोच रहे हों। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। दुआ ज़हरा ने जो किया, आई थिंक वी ऑल एग्री कि वो अपनी मर्ज़ी से गई थी, बेशक उसको वर्गलाया गया या जो भी उसको ब्रेन वॉश किया गया, लेकिन उसको ऐसे कोई ज़बरदस्ती किडनैप करके गाड़ी में डाल के नहीं लेके गया, वो अपनी मर्ज़ी से गई थी एंड शी डिड वेरी रॉन्ग, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। और आई आल्सो एग्री कि वो अंडर एज है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर वो अंडर एज नहीं भी है तब भी उसे अभी अपने पेरेंट्स के पास वापस जाना चाहिए, और जो भी उसे इंटरव्यू लेते गए हैं लोग और उसको उसकी इनोसेंस को यूज़ करके उस अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ उससे जो उन्होंने बुलवाया है, ऑल दैट इज़ सो रॉन्ग। और आई थिंक कि इसका जो एंड यही होना चाहिए कि दुआ ज़हरा शुड बी बैक विद हर पेरेंट्स। हाउएवर मुझे लगता है कि यूट्यूबर्स जो हैं वो, जो कि दोनों साइड से, आइदर दे आर फ्रॉम ज़हीर साइड और फ्रॉम मेहदी अली काज़मी साइड, वो हम सबको मिलके पागल बना रहे हैं और बनाते जा रहे हैं और हम बन रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़हीर ने गलती की है, इसमें कोई डाउट नहीं है और उसके उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा सज़ा आई थिंक शबीर को मिलनी चाहिए, जिसने के ज़हीर को समझाने की बजाय उसको सपोर्ट किया। और ज़हीर फिर भी, चलें आप कह सकते हैं कि वो यंग है, उसने उसको इतना आइडिया नहीं था कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, लेकिन शबीर को पता होना चाहिए था, उसको ज़हीर को समझाना चाहिए था। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये कोई गैंग वैंग नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंपल केस ऑफ लव मैरिज या अंडर एज मैरिज, जो कि नहीं होना चाहिए डेफिनेटली। और जो भी पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक इसका सोल्यूशन है या इसकी सज़ा है, वो उनको मिलनी चाहिए। और जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड कि अगर ये कोई गैंग नहीं है और ज़हीर को कोई ऐसी सज़ा मिल जाती है जिसका उसने जुर्म नहीं किया, जस्ट बिकॉज ऑफ पब्लिक प्रेशर या फिर पॉलिटिकल प्रेशर, क्योंकि अब काफ़ी पॉलिटिसाइज भी हो गया है ये केस और एवरीवन इज़ ट्राइंग टू स्कोर पॉइंट्स, तो जस्ट फॉर थिंक फॉर अ सेकेंड कि अगर उसको कोई ऐसी सज़ा दे देते हैं प्रेशर में आके जिसका शायद उसने वो जुर्म नहीं किया, तो क्या हम सब अपने आप को माफ कर सकेंगे। और जहाँ तक बात यूट्यूबर्स की है, मुझे लगता है कि वो जस्ट इस केस को खामखा लंबा कर रहे हैं। और लाइक कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि एक यूट्यूबर जो है वो दुआ ज़हरा की छोटी बहन का इंटरव्यू कर रही है और कुछ बाकी यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं, उसकी वीडियोस शेयर कर रहे हैं। लाइक आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, लीव देम अलोन, वो बच्ची है, उसको उसकी जान तो छोड़ दो। और जहाँ तक महम जुनेरा की बात है, आई थिंक अगर हम सब उसको सुनना छोड़ दें तो शायद वो इस टॉपिक पे वीडियोस भी बनाना छोड़ दे। द फैक्ट दैट वी ऑल लिसन टू हर और हम उसकी वीडियोस देखते हैं, इवन दो वी हेट हर और हम उसके झूठ से बिल्कुल एग्री नहीं करते,
स्टिल हम सब देखते हैं, राइट, उसको व्यूज आते हैं. तो अगर हम उस सब उसको देखना छोड़ दें तो आई थिंक शी विल स्टॉप मेकिंग वीडियोज ऑन दैट एज वेल. और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ठंडे दिमाग से इमोशनल हुए बगैर वीडियोज़ देखें एंड दोनों साइड्स की स्टोरी सुने, और बेशक कमेंट्स करें लेकिन थिंक विद एन ओपन माइंड एंड देन लेट द कोर्ट डिसाइड. और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, और इंशाल्लाह फिर बात होगी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.